गाजीपुर से अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। सपा प्रत्याशी अफजल अंसारी का बयान, बीजेपी षड्यंत्र कर बसपा को मिटाने कोशिश में है। बीजेपी आरएसएस के लोग बसपा से घबरा गए हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां सपा प्रत्याशी अफजल अंसारी ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी षड्यंत्र कर बसपा को मिटाने की कोशिश में है। अफजल अंसारी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग बसपा से घबरा गए हैं। अफजल अंसारी ने कहा कि चार बार यूपी की सत्ता में रहने वाली बसपा डर रही है। अफजल अंसारी ने कहा कि उन्होंने बहन जी को विवश कर दिया है कि किसी कतार में न जाएं। अफजल ने दावा किया कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि चमत्कार होगा। अफजल अंसारी ने कहा कि ऐसे ही हालात अटल जी के समय पैदा हुए थे, जब बसपा की नेता के निर्णय से अटल जी विवश होकर इस्तीफा देना पड़ा था। अफजल अंसारी ने कहा कि बहन मायावती जी इन मौके पर वार करेगी, अगर वे वार नहीं करती तो मैं मानूंगा उन्हें मजबूर कर दिया गया है। अफजल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी हैं। सर, अभी आपने एक आरोप लगाया है बसपा पर कि वो गठबंधन नहीं करे, लेकिन नहीं, हमने आरोप नहीं लगाया, हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि वो बसपा को मिटाना चाहती है, डरती है बसपा। बसपा यूपी में चार बार सत्ता में रही है, घबरा गए हैं बसपा के, भाजपा और आरएसएस के लोग, तो वो बसपा को मिटाने के लिए षड्यंत्र किए। उनका षड्यंत्र, कुछ षड्यंत्र दूर से हट के किसी के ऊपर दाव किया जाता है, कुछ षड्यंत्र सट के किया जाता है। लेकिन तेलंगाना में जो है बिहार, अब तेलंगाना में उन्होंने किसी से कर लिया, उत्तर प्रदेश के लिए विवश कर दिया है बहन जी को उन्होंने कि आप किसी कतार में मत चली जाइएगा, चली जाइएगा तो हो सकता है 10-20 आपके भी सांसद दिल्ली पहुंच जाएं। और उनको मिटाना है बसपा को, भाजपा चाहती है बसपा मिटे, वो मिटा सकती नहीं। तो जब हम नेतृत्व करें या कोई भी नेतृत्व करे, हम जब निर्णय गलत लेंगे तो उसका खामियाजा हमारे ऊपर पड़ेगा। हमारा निर्णय था के विधानसभा में अकेले लड़ेंगे, और उस निर्णय से जो उपलब्धि आई वो एक विधायक, जिस उत्तर प्रदेश में इतना परफॉर्मेंस जिस दिन पहला चुनाव बसपा लड़ी है तब भी नहीं था, तब भी नहीं था, तब तो 3 था 13 था 67 था, और आज 1 और साल भर पहले के उस रिजल्ट में, और आज में क्या परिवर्तन हो जाएगा। फिर ये चाहते हैं कि दिल्ली भी बसपा एक एमपी न लेके जा सके, इसलिए उसमें मत शामिल हो। मुझे अब भी उम्मीद है कि पार्टी को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, गरीबों के मान सम्मान को बचाने के लिए, अब भी उम्मीद है कि चमत्कार होगा। और उसी से घबरा रही भाजपा, ये 400 का नारा है उसी से घबरा रही है, क्योंकि आप जानते नहीं है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे ही हालात पैदा हुए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी को विवश होकर के 13वें दिन जाकर के त्याग पत्र देना पड़ा था। कौन था वो निर्णय, किसने लिया था वो निर्णय, वो बहुजन समाज पार्टी की नेता का ही निर्णय था। वो आइन मौके पे वार करेंगी, अगर नहीं कर सकी तो मैं मानूंगा कि उनको मजबूर कर दिया गया है। धन्यवाद।